बॉलीवुड सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण इन दिनों काफी खुश हैं। आदित्य की पत्नी श्वेता अग्रवाल ने 24 फरवरी 2022 को एक बेटी को जन्म दिया था और अपनी नन्ही परी के जन्म के बाद से ही आदित्य अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज बेटी के थर्ड मंथ बर्थडे पर आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल ने पहली बार बेटी का चेहरा फैंस को दिखाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, आदित्य नारायण ने बेटी के जन्म के करीब 10 दिन बाद 4 मार्च 2022 को यह शेयर किया था कि उनके घर एक नन्ही सी परी आई है। आदित्य ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था, श्वेता और मैं ये साझा करने के लिए बेहद आभारी हैं कि हमें ऊपर वाले ने 24 फरवरी को एक सुंदर सी बेटी का आशीर्वाद दिया। तो वही इससे पहले आदित्य ने एक सेशन के दौरान अपनी बेटी का नाम भी रिवील किया था और बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम त्विशा नारायण झा रखा है। साथ ही आदित्य ने शेयर किया था, मैं अकेला था जो कि बेटी का नाम सर्च कर रहा था जबकि घर के हर सदस्य लड़के के नाम की तलाश में व्यस्त थे। तो वही आज 23 मई 2022 को आदित्य ने अपने लाडली बेटी के थर्ड मंथ बर्थडे पर एक प्यारी सी फोटो शेयर की है और पहली बार त्विशा का चेहरा दिखाया है और त्विशा की क्यूटनेस ने हर किसी का दिल जीत लिया। आदित्य ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा है, कल 3 महीने की हो जाएगी यह हमारी खूबसूरत परी त्विशा नारायण झा। तो वही श्वेता ने भी अपनी नन्ही सी परी की पहली तस्वीर रिवील करते हुए लिखा है, मिनी मी त्विशा नारायण झा। इससे पहले बेटी के सेकंड मंथ बर्थडे पे भी आदित्य ने एक फैमिली फोटो शेयर की थी और लिखा था, 2 months ago our little bundle of joy त्विशा come into this world। दोस्तों आपको बता दें, आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल ने 1 दिसंबर 2020 को शादी की थी। इस कपल ने स्कॉन मंदिर में शादी रचाई थी जिसमें केवल परिवार के लोग और कुछ दोस्त शामिल हुए थे। वहीं शादी के पहले साल कपल ने अपनी बेटी का स्वागत किया। तो दोस्तों, आपको त्विशा नारायण झा की तस्वीरें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।